मॉडल में इंपोर्टेड चेचिस के साथ पर्दे की क्वालिटी, और जैसे आप देख रहे हैं इसकी जो आप स्पीकर 400 वाट की सीरीज आने वाली है, इनकी आप क्वालिटी देख सकते हैं यहाँ पास। और क्योंकि इंपोर्टेड होता है 24 में कुछ नए लेकर आए हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं इसकी वाइब्रेशन के लिए काफी माना 2200 वाट का आइडियो आने वाला है। और अगर इसकी बात करता हूँ मैं, स्पीकर लॉन्च किए गए हैं आइडियो के, यहाँ पास हमारा पीडी अपग्रेड के लिए RH जो भी वीडियो में बता भी दिया है कि क्या होता है कि बारिश में हम लोग डीजे बजाते हैं और काफी समय पर यूज होता है जो एक सुर ताल बनाने के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर इंपोर्टेड साइड में कभी कभी आप मैक का कोई ऑफिस का काम करते हैं तो यहाँ पास देख सकते हैं, तो ले लेते हैं, मगर बस रीजन यही होती है कि उसका पूरा। तो दोस्तों इस समय हम हैं वेस्ट बंगाल में, और जो कलकत्ता में पड़ता है बगल में वेस्ट बंगाल में, तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं पिंजा एडियो के काफी सारे सामान, और मिलाना चाहेंगे यहाँ के जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं संतोष भाई से भी। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे पहले स्पीकर से। तो जैसे मैंने काफी सारे आपको स्पीकर दिखाए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पास से हमारी सीरीज चालू हो जाती है, जो ये 200 वाट से 12 इंच से 300 वाट, 400 वाट, अगर बात करूँ 500 वाट तक के, तो यहाँ पास से काफी सारे हमारे आप देख सकते हैं 200 वाट का ये पिंजा एडियो का स्पीकर आ जाएगा। और इस तरफ अगर हम आ जाएंगे तो ये भी 200 वाट का एक नए मॉडल में इंपोर्टेड चेचिस के साथ आने वाला है। तो यहाँ पर जो सीरीज होने वाली है टोटल, वो सब पिंजा आइडियो की जो होंगी, ये सब हमारे 200 वाट से आपको ये ले जाने। बस सबसे बड़ी बात आ जाती है जो रहने के लिए, जो काफी सारे आप देखते हैं, तो रहने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पास हमने 600 वाट का भी स्पेशल यहाँ पर बनाया गया है पिंजा आइडियो की। अगर इसकी बात करते हैं यहाँ पर एयर चेचिस की, तो काफी अच्छी होने वाली है। तो यहाँ से भी अगर आप बात करेंगे तो देख सकते हैं आप कोन की पर्दे की क्वालिटी, और यहाँ पास आ जाते हैं कोन की, तो कोन की भी अगर इंपोर्टेड में बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छी। और यहाँ पर हमारा पिंजा आइडियो का जो आपको लोगो मिल जाएगा, जो 600 वाट रायनेरे के लिए बहुत बेस्ट स्पीकर होने वाला है। जो लोग रायनेरे पसंद करते हैं, बेस के लिए पसंद करते हैं, और बेस के साथ रायनेरे में अगर लगाना चाहते हैं, तो 600 वाट का काफी अच्छा इसका मॉडल आया है। और सबसे बड़ी बात है जो हमारे पास 500 वाट का एक रायनेर का स्पीकर है रेड वाला, ये वीडियो आप लोगों ने बहुत सारी पसंद करी थी। अगर बात करूं कि इस वीडियो में काफी सारा आप लोगों ने प्यार दिया था, क्योंकि मार्केट में हम लोग कुछ एकदम नया लेकर आते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं इसकी जो आप कौन की क्वालिटी देख रहे हैं, तो जाली वाली यहाँ पर कौन की होने वाली है, क्योंकि बहुत सारा क्या होता है कि जब भी कभी कभी देखते होंगे कि बारिश हो जाती है, और बारिश होने में क्या होता है कि वो पर्दा जो होता है मुलायम हो जाता है, मजबूरी में आपको सेटअप बजाना पड़ता है, तो बजाने में आपकी जो कोन खराब हो जाती है, जिससे स्पीकर काफी जल्दी खराब हो जाता है। तो ये जो हमने पर्दा भी काफी इंपोर्टेड पर्दा मार्केट में एकदम सबसे पहले लेके आने वाले हैं पिंजा आइडियो कंपनी से। और अब बात करेंगे यहाँ पास आते हैं V3, जैसे आप 400 वाट का है, मैंने ऑलरेडी इसका भी वीडियो डाला था, और V3 है काफी अच्छा स्पीकर, 400 वाट की सीरीज आने वाली है। अगर इस तरह बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पास हमारे स्पीकर सब आ जाते हैं, और काफी सारे हमारे इंपोर्टेड स्पीकर 450 की पूरी रेंज यहाँ पास आने वाली है। और जो सबसे ज्यादा आप लोगों ने प्यार दिया है वो हमारा ये 92A है, जो काफी सारा आप लोगों ने इस स्पीकर को क्वालिटी देखी थी। अभी यहाँ पास आ जाते हैं 400 वाट की भी काफी सारे यहाँ पास हमारे लगे हुए स्पीकर में। और इस तरफ आ जाते हैं हम लोग आगे, तो यहाँ पास भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है काफी अच्छे अच्छे स्पीकर, और देख सकते हैं क्वालिटी। अगर बात करूं सबसे पहली बात, तो मैग्नेट की आप क्वालिटी देख सकते हैं यहाँ पास, और क्योंकि इंपोर्टेड होता है सालों साल इसकी चार्जिंग चलती है, और फिलहाल अगर आप हम लोग एक नॉर्मल स्पीकर यूज करते हैं तो एक उसकी हद होती है, 2-3 साल के बाद उसका जो आवाज की बेस की क्वालिटी कम हो जाती है, मगर जब इंपोर्टेड कोई स्पीकर हम लोग लेते हैं तो जिससे क्या होता है हमारा पैसा बर्बाद नहीं जाता। तो यहाँ पर पिंजा आइडियो में स्पीकर लेकर आए हैं, इसकी अगर आप फिनिशिंग देख सकते हैं, और बात करता हूँ यहाँ पास की इसकी कोइन के अंदर की क्वालिटी भी देख सकते हैं फिनिशिंग, और यहाँ पास हम पर्दे की बात कर सकते हैं, और इसकी आप देख सकते हैं क्वालिटी पूरी, और काफी अच्छे अच्छे रेंज लेकर अब की पिंजा आइडियो में जो है 2024 में कुछ नए लेकर आए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं इसकी भी अगर आप देख सकते हैं, और तो काफी अच्छा, मतलब ये 2000 वाट का जो स्पीकर है ये, और काफी अच्छा ये भी स्पीकर है। और यहाँ पास आप देख सकते हैं ये पिंजा आइडियो भी हमारे पास यहाँ पर मिल जाएगा, और प्लस यहाँ पर अंदर की क्वालिटी देख सकते हैं, कॉइन की क्वालिटी देख सकते हैं, मैग्नेट की साइज देख सकते हैं, सबसे बड़ी बात साइज होती है, और सबसे बड़ी बात यहाँ नीचे की इसकी ये भी देख सकते हैं कितनी मोटी यहाँ पर यूज हुआ है। तो यहाँ पर काफी सारा पिंजा आइडियो ने स्पीकर लाया। अब बता देते हैं कि जो आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बात होती है कि वाइब्रेट के लिए, यानी वाइब्रेशन के लिए काफी माना जाता है कि हिंदुस्तान में वाइब्रेट और वाइब्रेशन बहुत पसंद करते हैं,
और उसके लिए हमारे पास पिंजा आइडियो का आपका देख सकते हैं 18F83C हमने लॉन्च किया है और जो इसकी पावर होने वाली है 3200 वाट होने वाली है। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि दोस्तों इसकी जो वॉइस कॉल होने वाली है वो 6 इंच की वॉइस कॉल होने वाली है और अभी मैं इनकी कॉइल भी दिखाऊंगा आगे चल के वीडियो में। और तो यहाँ पर इसको देख सकता हूँ उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि काफी बड़ा स्पीकर होता है मैग्नेट। और जो बंदे पसंद करते हैं कि हाँ भाई मुझे सिर्फ वाइब्रेट चाहिए और वाइब्रेशन चाहिए तो उनके लिए बहुत बेस्ट क्वालिटी की सीरीज हम लोग लेकर आए हैं पिंजा आइडियो की तरफ से लेकर आए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हमारा PZ और 18H83C है तो यहाँ पास हमारा और PZ18H ये आ जाएगा 74C होने वाला है और ये 2400 वाट का स्पीकर है। इसकी अगर आप देख सकते हैं तो काफी क्वालिटी के हिसाब से माना जाता है वाइब्रेट के लिए से और क्योंकि हमारे अगर देखा जाए तो काफी 6 इंची वाइस कोल जो होती है काफी ज्यादा वाइब्रेशन देता है। अब यहाँ पास आ जाते हैं हम लोग तो पीडी मॉडल में आप 18W 2200 वाट का आइडियो आने वाला है। और अगर इसकी बात करता हूँ मैं तो ये भी इम्पोर्टेड में काफी बड़ा स्पीकर यहाँ पर होने वाला है। फिर हमारी 2000 वाट में सीरीज आ चुकी है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो डाला था तो PZ18 60C आने वाला है और इसकी वॉइस कॉल जो है 5 इंची होने वाली है 125 mm का होने वाला है। और ये बात कर सकते हैं इसकी चेचिस की, अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसकी काफी मजबूत चेचिस हमने लिया है। और यहाँ पास आ जाते हैं आप इस तरफ आ जाता है आपका स्पीकर ये आने वाला पिंजा आइडियो की तरफ से PZ18 50 2000 वाट का स्पीकर होने वाला है। इसकी वॉइस कॉल की अगर बात करता हूं तो 5 इंची वॉइस कॉल इसकी होने वाली है और ये जो है 125 mm की होने वाली है और फुल इंपोर्टेड स्पीकर होने वाला है। ये जो वाइब्रेट के बारे में काफी लोग जो पसंद करते हैं कि हाँ भाई मुझे सिर्फ वाइब्रेट चाहिए और कुछ ऐसा चाहिए कि एकदम बिल्कुल हटके कि जान मारने वाला स्पीकर बोलते हैं, तो ये टोटल सीरीज हमारी हमने लॉन्च करी और इंडिया में अदर कंपनी के देखते हुए काफी सारे मॉडल काफी सारे क्वालिटी के हिसाब से हमने यहाँ पर स्पीकर लॉन्च किए गए हैं। पिंजा आइडियो के यहाँ पास हमारा PD मॉडल भी आ जाएगा और जैसे आप लोग देखते हैं काफी सारा PD मॉडल जो 2023 में चला था 2000 वाट स्पीकर का ये। और यहाँ पास देख सकते हैं इसकी मैग्नेट की क्वालिटी देख सकते हैं सफाई देख सकते हैं क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि अगर इम्पोर्टेड ना हो तो उसकी मैंने पहले भी बताया था कि जैसे कोई नॉर्मल स्पीकर होता है चाहे जितना बड़ा ले लोगे 2-4 साल के बाद उसकी क्या होती है पावर कम हो जाती है, मगर ये स्पीकर की बात करता हूँ जो इम्पोर्टेड होते हैं मैग्नेट और इम्पोर्टेड कॉइल होती है तो सालों साल आपका पैसा बर्बाद नहीं होता। तो ये सीरीज यहाँ पास आने वाली है और यहाँ पास देखो सबसे हम लोग खास लेकर आए हैं इस स्पीकर की आप क्वालिटी देख सकते हैं और मैग्नेट देख सकते हैं इसकी क्वालिटी की काफ़ी अच्छा मैग्नेट यहाँ पास भी हमने लिया है और यहाँ पास इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर सीरीज है। अब दोस्तों हम लेके चलते हैं कुछ जो लोग 800 वाट 1000 वाट 1200 वाट पसंद करते हैं तो वहाँ पास हम कुछ सीरीज लेकर आए हैं। तो हमारे यहाँ पास ये आ गए हैं, अगर 1500 वाट के पसंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर 4.5 इंची वॉइस कॉल वाइब्रेट के लिए और काफ़ी अच्छा स्पीकर इसको बोलते हैं और क्योंकि काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी भी होने वाली है तो यहाँ पर 1500 वाट का यहाँ पास आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 1200 वाट का स्पीकर है, अगर इसकी मैग्नेट की क्वालिटी आप देख सकते हैं और प्लस इसकी आप चेचिस की क्वालिटी देख सकते हैं इसके तार के अंदर क्वालिटी देख सकते हैं आप तो काफ़ी अच्छी यहाँ पास भी आपको क्वालिटी मिलने वाली है। अब यहाँ पास आ जाते हैं सबसे ज़्यादा जो पिंजा आइडियो का 1200 वाट बिकता है और काफ़ी लोग टॉप में लगाने में पसंद करते हैं जैसे टॉप से ही बेस निकालते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं कि बेस के जो स्पीकर काफ़ी लोग नहीं लगाते कुछ लोग क्योंकि पार्टी का काम करते हैं गेस्ट हाउस में जैसे छोटा मोटा काम करते हैं उससे बेस लेने के लिए तो यहाँ पास हमारा 1200 वाट आ जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं और ये LA 15W 100 के नाम से जाना जाता है। इसकी अगर हम क्वालिटी की बात करेंगे तो क्वालिटी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी होने वाली है। अगर हम इसकी कॉइन की बात करेंगे तो ये भी देख सकते हैं इम्पोर्टेड फिनिशिंग के साथ यहाँ पास होने वाली है। अब सबसे ज्यादा जो अभी पसंद करा जाने वाला स्पीकर है पिंजा आइडियो का तो रेड के नाम से जाना जाता है 1200 वाट RX, तो वो हम आपको दिखा रहे हैं कि RX जो है 1200 वाट जो इस समय बहुत ज्यादा बिकने वाला स्पीकर है। तो ये देख सकते हैं मैंने वीडियो बनाया था, काफी लोगों ने आप वीडियो को पसंद किया, काफी लोगों ने प्यार दिया उस वीडियो में। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर ये एयर का जो सिस्टम बनाया गया है कि
बहुत जगह ऐसा होता है कि काफी देर तक डीजे बजाना पड़ता है, तो क्या होता है कि अगर कुछ देर के लिए अगर हमारा डीजे 2 या 10 मिनट के लिए डीजे बंद कर दिया जाए तो फिर हमको वही 2-10 घंटे की ताजगी मिल जाती है। तो यहाँ पर हमने यहाँ की ध्यान दिया है और यहाँ पर एलंकी का भी इस्तेमाल हमने किया, प्लस यहाँ इसके पर्दे की क्वालिटी देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो इंडिया में हम लोग एकदम नया लेकर कुछ आए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पास कि अक्सर यहाँ पर तार यूज होता था, तो यहाँ पास हमने कुछ ऐसा तार यहाँ पर लॉन्च किया है। और यहाँ पर पर्दे की क्वालिटी देख सकते हैं जो हमने ये पर्दा लगाया है, और यहाँ पर हम दिखा भी सकते हैं इसको चीज के लिए कि ये देखिए ये जाली वाला पर्दा होता है। और जैसे मैंने पिछले अभी वीडियो में बता भी दिया है कि क्या होता है कि बारिश में हम लोग डीजे बजाते हैं और काफी सारा जो नमी टाइप का आ जाता है, तो यहाँ पर कुछ हम एकदम अलग लेकर आए इंडिया में। और इसकी कॉइल भी देख सकते हैं, इन आउटर इंपोर्टेड कॉइल होने वाली है। और यहाँ पर तार की क्वालिटी भी देख सकते हैं, अगर हम स्पाइडर की बात करते हैं तो इंपोर्टेड स्पाइडर भी आप देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है कि अगर हम स्पीकर ले लें काफ़ी सारा पैसा लगता है, मगर वो कुछ चीज़ें अगर हमें मिल जाए, क्योंकि ऐसा होता है कुछ चीज़ें रिपेयरिंग करने में या सामान में वो क्वालिटी आपको नहीं मिल पाती, तो यहाँ पास हमारे पास पूरी किट भी पिंजा आइडियो ने लॉन्च करी है। आसानी से आप किसी भी कारीगर से आप जाके इसको बैठा सकते हैं और पहले जैसी फीलिंग आप फिर कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे, यहाँ पर चलते हैं कुछ इसके पार्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर अगर डीजे लगे, अगर स्पीकर लगाएं, अगर अच्छा को ड्राइवर ना हो तो कहते हैं मजा नहीं आती। अगर बात करते हैं दोस्तों कि खाने के साथ नमक ना हो तो कहाँ मजा आने वाला है, तो बस ऐसे हम लेकर आते हैं कि अगर आप लगाते हैं तो यहाँ पर एचएफ ड्राइवर यूज होता है जो एक सुर ताल बनाने के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर इंपोर्टेड पिंजा आइडियो की काफी सारी यहाँ पास आपको ड्राइवर यूनिट यानी कि एचएफ यानी ट्यूटर ये मिलने वाली है आपको। तो काफ़ी सारी पिंजा आइडियो के यहाँ पास हमको मिल जाएगी, जो 80 वाट की होने वाली है, 100 होने वाली है, 120 होने वाली है। और ये देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छी जो यहाँ पास आप एचएफ देख सकते हैं, और इसकी काफ़ी ज़्यादा मांग भी होती है एक कंपटीशन लेवल के लिए। तो यहाँ पास अगर हम बात करेंगे तो ड्राइवर काफ़ी सारे हैं, कुछ यूनिट भी यहाँ पास हैं अगर 55 वाट 85 वाट 100 वाट यहाँ आप देख सकते हैं, तो यूनिट भी काफ़ी सारा ये देखते हैं पिंजा आइडियो जो मिलने वाली है। अब बात करते हैं जैसे कभी पार लाइट भी चलाते हैं या कुछ चलाते हैं, अगर कोई पार्ट पिंजा आइडियो पर जल जाता है या कुछ हो जाता है, तो यहाँ पास हम लोग इसकी पूरी आपको किट भी मिलने वाली है जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर एचएफ लगाने के ड्राइवर की बात करोगे तो पिंजा आइडियो की यहाँ पास भी आपको मिलने वाली। और काफ़ी लोग जो यहाँ इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पास पिंजा आइडियो का आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें क्वालिटी की अगर बात करते हैं USB आ जाती है, पिन ड्राइव भी आ जाती है, यहाँ पास हम लोग वॉल्यूम भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर पिंजा आइडियो का हम दिखाएंगे, जैसे साइड में कभी कभी आप मैक का कोई ऑफिस का काम करते हैं तो यहाँ पास देख सकते हैं आप, तो पिंजा आइडियो का काफ़ी अगर देख सकते हैं तो यहाँ पर ये भी मिलने वाला है आपको। तो जैसे देखते हैं आप पिंजा आइडियो की, जैसे मैं कपलिंग गिफ्ट करता हूँ आप लोग देखते हैं, तो पिंजा आइडियो की हमारे पास कपलिंग भी यहाँ पर मिलने वाली है, काफ़ी बड़ी माइक की कपलिंग छोटी, और यहाँ पास आ जाता है माइक सिस्टम। पिंजा आइडियो के कुछ मॉडल माइक की भी आते हैं, अगर माइक की क्वालिटी आप देख रहे हैं तो कुछ एकदम बिल्कुल माइक की क्वालिटी भी एकदम नंबर एक की आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे मॉडल आप माइक भी देख सकते हैं, और यहाँ पर कुछ जैक पेन आ जाते हैं, जैसे काफ़ी मॉडल के जैक पेन लगते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पर क्वालिटी। अगर मैं एक क्वालिटी दिखाना चाहूँ पिंजा आइडियो की, तो यहाँ पर क्वालिटी आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पास इसकी क्वालिटी कैसी है कमेंट में ज़रूर करके आप लोग बताना, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी काफ़ी सारी अच्छी होने वाली है। यहाँ पास हमारे पास कुछ यहाँ पर वायर भी मिलने वाले हैं पिंजा आइडियो के, और यहाँ पास आ जाएंगे हमारे क्रॉस वायर भी होने वाली है, और जैसे मैंने आपको बताया कि साइड के स्पीकर यहाँ पास होने वाले हैं काफ़ी सारे। अब बात करता हूँ सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पास जिसे कोन की बोलते हैं, जैसे लोग काफ़ी लोग आप स्पीकर तो ले लेते हैं मगर बस रीजन यही होती है कि उसका पूरा पार्ट सामान नहीं मिल पाता, जिसके कारण क्या होता है कि आपको पहली जैसी फीलिंग नहीं मिल पाती। तो मैं हमारा पिंजा आइडियो की तरफ से आपको पूरी पूरी किट मिलने वाली है कोन की, और इसमें देख सकते हैं इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, इसको आसानी से आप किसी भी कारीगर से फिट करवा सकते हैं, आपको पहले जैसी फीलिंग मिलने वाली है। तो काफ़ी सारी अब यहाँ पास हमारे SRP का अगर देखेंगे तो SRP में आपको 10R 17R अगर बात करूंगा इसमें कितनी नई सारी SRP आपको भी मिलने वाली है, तो SRP भी यहाँ पर काफ़ी सारी आपको मिलने वाली है, पाल लाइट भी मिलने वाली है, तो काफ़ी सारी SRP भी आपको यहाँ पास आप देख सकते हैं कि क्वालिटी SRP की काफ़ी सारी SRP अभी इसका स्पेशल आपको वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पास हमारी 17R यहाँ पास मिलने वाली है, और क्योंकि नए मॉडल में आई है और काफ़ी नए मॉडल की इसकी क्वालिटी आई है, कैमरा मिनी हमारी 280 भी यहाँ पर SRP आई है, और इसको भी अभी हम अभी अगला नेक्स्ट जब वीडियो देखोगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो मैं एक एक वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ।